प्यारे मियां मामले की पीड़िता ने खाई थी नींद की गोलियां, जिससे उसकी मौत हो गई थी। नाबालिग के शव को घर के बजाय सीधे शमशान घाट में ले जाने का मामला है, जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मैं सीएम से एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि फिर इस मामले की जांच की जाए। वहीं प्यारे मियां मामले की पीड़िता ने खाई थी नींद की गोलियां और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी, जहां पुलिस ने शव को घर ले जाने के बजाय सीधे ले जाकर शमशान घाट में उसका दाह संस्कार कर दिया। प्यारे मियां यौन शोषण मामले में हाथरस कांड जैसी कार्यवाही देखने को मिली है। दरअसल बुधवार को नाबालिग की मौत के बाद गुरुवार को पुलिस की निगरानी में दोपहर करीब 1:30 पर उसको भदभदा विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस नाबालिग के शव को हमीदिया अस्पताल से सीधे शमशान घाट ले गई थी। हटो।